गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। एक क्लास आज हम हिंदी में पार्ट चार का अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे अपने अपने अभी निकल लें। पेज नंबर 20, पार्ट 4, दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है और आज हम इसी का अध्ययन करेंगे कि कवि इसमें दीवानों के बारे में क्या कहना चाहता है और वो क्या कहता है, दीवाने कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ देखें, वो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, आपको भी अपनी नोटबुक में लिख लें। शब्दार्थ देखें पहले आप, हस्ती, हस्ती का अर्थ होता अस्तित्व। जो दीवाने होते हैं
एक बार आप इस कविता का हिंदी अर्थ दोबारा देख लें। इसमें दीवानों की हस्ती पाठ के नाम से ही पता चलता है कि दीवानों के मनमोजी के बारे में बताया गया है। इसमें दीवाने बोलते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हैसियत है कि आज हम यहाँ पर हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम हम कहीं आगे पीछे नहीं देखते हैं और हम सिर्फ चलते जाते हैं और जहाँ चलते हैं वहाँ धूल उड़ाते हैं, आंसू बनकर चले जाते हैं और खुशी बनकर वापस आ जाते हैं। दुनियादारी लोग हमें कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और कहाँ चल दिए। किसी ने एक में भी पूछा कि तुम कौन हो और किस ओर चले। चलना है, बस चलना है। संसार के लिए कुछ किया है और आगे भी कुछ करेंगे। दो बात किसी ने कही, दो बात हमने कही और उस बात को हमने सुना है। हंसकर जिए हैं, रोकर भी जिए हैं और सुख दुख के खूब पिए हैं। एक भाव से हमने ये दुनिया जी है। हम इस भिखारियों की दुनिया में, हम इस भिखमंगे दुनिया में अपने स्वच्छंद मन से, अपने खुले मन से, खुले विचारों से इस दुनिया में जीते हैं और एक अच्छी सी आस रखकर सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है, पराया क्या है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं और हम हमेशा आबाद रहते हैं और आबाद रहने की कोशिश करते हैं। हम स्वयं अपने जंजीरों में, अपने वचनों में बंधे हुए हैं और हमने खुदने की अपने जंजीर, अपने स्वयं की तोड़ दी है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले